हेलो भैया मनीषा भी है देखो मनीषा सिंह ग्वालियर वाली है। हेलो अंकल जी। हाँ चलिए। जय जी अंकल जी। शुरू करते हैं अभिषेक अंकल जी। शुरू करते हैं, थोड़ा शादी में आया था, भांजी की शादी है तो वह अभिषेक जिया जी बता रहे, थोड़ा मंत्र जल्दी पढ़ के कर लेते क्या? हाँ जल्दी कर ले, जल्दी कर लेते। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो चालू करिए आप जी। हाँ जी चलिए। देखो पार्श्वनाथ भगवान की जय, देखो आदिनाथ भगवान की जय, देखो शांतिनाथ भगवान की जय, अभिषेक कर लीजिए तो मैंने अभिषेक कर दीजिए थोड़ा। अच्छा चलो, आज वो अब कहीं शादी में गए हुए बीजापुर वाले, हम लोग शांति धारा पढ़ते हैं। चलो शांतिनाथ भगवान की जय, ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पार्थि तंत्राय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीराय त्रिलोक बंद कराए सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धन ब्राह्मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साधुका प्रमुख चतुस्तंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। सभी लोग अपने कर्मों को क्षय करेंगे। अपादाम मृत्युम, अपादाम मृत्युम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, अतिकामाम रतिकामाम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, क्रोधाम अग्निम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्वविघ्नम सर्वभयम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्वराजभयम सर्वशोरभयम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, परमात्मभयम सर्वपरमन्त्रम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्वशूल रोगाम सर्वक्षय रोगाम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्वकुष्ठ रोगाम सर्वक्रूर रोगाम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व नरमारीम सर्वगजमारीम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्वाश्मारीम सर्वगोमारीम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व महितमारीम सर्वधान्यमारीम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व गुलमारीम सर्व पत्रमारीम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व प्रक्षमारीम सर्व फलमारीम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व राष्ट्रमारीम सर्व देशमारीम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व विश्वमारीम सर्व बेताल साकनी भयम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, सर्व कर्माष्ट छिन छिन्ने भिन्न भिन्ने, ओम सुदर्शन महाराज महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांतिम कुरु 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 कुरु, सर्व जनानंद नाम कुरु कुरु, सर्व भव्यानंद नाम कुरु कुरु, सर्व गोकुलानंद नाम कुरु कुरु, सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठ पत दौड़ मुख संभानंद नाम कुरु कुरु, सर्व लोकानंद नाम गुरु गुरु, सर्व देशानंद नाम गुरु गुरु, सर्व यजमानंद नाम गुरु गुरु, सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम
यत्सुकं त्रिषु लोकेषु व्याधिवशनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते अस्माकं सुनीता जी मेहता कोलकाता से उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनके उपलक्ष में आज ये शांति धारा कराई गई तथा नीरज जी सुराना जी परिवार से डॉक्टर अर्चना विनय जैन नागपुर परिवार से बेजापुर वाले संतोष जी परिवार से तथा जितने भी पार्ट अमेरिका से नैना जी अजीत जी निशा जी जिन्हें थोड़ी हार्ट में परेशानी है उनके दुख निवारण हेतु सभी परिवार से अमेरिका से तथा जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी के परिवार से यह शांति धारा करोमी स्वाहा कुलगो धनदान तदास्तु पदम प्रभु चंदा प्रभु पास्ते पूज मल्लिनाथ वर्तमान पुष्पदान शीतल मुनिशोभित नेमिनाथ पार्थनाथ देव्यो जिनेभ्यो नमः इतेन मंते नवग्रह शांत्यर्थ दंतो तक धारा वर्षणम संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतींद्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरु सुदीप सुदो फलाधकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन शांति धारा करोमी ओम ह्रीम श्री 1008 शांतिनाथ भगवान जिनेन्द्राय के अनर्ग पद प्राप्त है अर्घम निर्पमिति स्वाहा चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय चलो शांतिनाथ भगवान की जय चलो आदिनाथ भगवान की जय चलिए नीरज स्टार्ट करेंगे आज वो सुनिए ना एक संध्या जी भोपाल से है शांति धारा के लिए उन्होंने कुछ राशि बोली हुई है बेजापुर वाले सुन लीजिए 2100 रुपए की राशि शांति धारा के लिए प्रदान की है वो अपना अकाउंट नंबर संध्या जी को दे देंगे तो वो अकाउंट में डाल देंगे मंदिर का संध्या जी को म्यूट कर दीजिए भोपाल वाले अनम्यूट कर दीजिए संध्या जी भोपाल से जो आए हुए हैं क्या संध्या जुड़े हुए नहीं है अभी तो शायद नहीं जुड़ी हाँ चलिए ठीक है जब जुड़ेंगे तो संध्या जी ने वो 2100 रुपए की राशि बेजापुर वाले मंदिर में चलो बेजापुर के मंदिर के लिए उन्होंने 2100 रुपए की राशि दी है शांति धारा के लिए खूब खूब उनकी अनुमोदना भगवान उन्हें शांति प्रदान करे और हम सबको भी शांति प्रदान करे इन्हीं भावनाओं के साथ आज का अनुष्ठान शुरू करेंगे चलिए नीरज जी शुरू करिए चैताभारं वासं चक्रवर्ती महिड्यो संति करे लोए पत्तो गई मणु तरम पत्तो गई मणुतरम पंच परमेष्टि को सत सत वंदन आराध्य को नमन उपस्थित सभी साधकगण डॉक्टर अर्चना जी जैन विनय जी जैन आप सभी का संगम फाउंडेशन की ओर से तहे दिल स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आज सुनीता जी की एनिवर्सरी है उन्हें हम सब इस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और जिनका भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है वो अब एक अच्छा क्रम बन गया है कि दीदी उनकी और जिया जी विनय जी उनकी अच्छे से शांति धारा करवा दे रहे हैं
और हमें भी पता चल जाता है इसी बहाने कि हमें कब कब पार्टी लेनी है, हम भी नोट कर ही रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और अर्चना दीदी से विनम्र अनुरोध करती हूँ आगे की अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रारंभ करें। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आज का संगम हिलिंग सीरीज का 44वां डे 44वें दिन पे हम पहुंच गए हैं, सपने सा लग रहा है। और 44 नंबर की जो गाथा है वो जो है एक तो कोरोना के लिए भी काम आती है और दूसरा जो तूफान आदि रहते हैं समुद्र के, वो समुद्र के तूफान को भी, इसको गलय तूफान जो आता है उसको रोकने के लिए भी काम में आती है। तो जो जो भी लोग आज जुड़े हुए जैसे नीरज जी सुराना संगम फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी का इस अनुष्ठान में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन। भक्तांबर के दो पद हम मंगलाचरण के रूप में बोलेंगे। भक्तांबर प्रणत मौनि मणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पाप तमो विताणम सम्यक् प्रणम्य जिणपादयुगं युगादा वालं बलं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा हृतभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्तै चित्तहरै रुदारे तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए श्रीमान तुंग स्वामी जी की जय। एरोबिक्स लगा दीजिए। पहली स्टेप आपको पता ही है, अभी हम लोग स्टेप बदल नहीं रहे क्योंकि हमारे साथ अमेरिका से निशा जी जुड़ी हुई है, तो निशा जी को थोड़ा सा हार्ट का अभी सर्जरी हुआ है ग्रुप हीलिंग, तो उनके लिए हम ये ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं, इसलिए स्टेप नहीं बदली जाएंगी अभी 48 श्लोक तक। और हमारे साथ नीरज जी जो हमारे ऑर्गेनाइजर है उनको भी थोड़ी हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम ये चेंज नहीं करेंगे, सभी लोग अपने हार्ट पे ही रख के मंत्र पढ़ेंगे और रिद्धि में अपने न्यूरॉन्स एक्टिवेट करेंगे। संभावना बहते हैं निशा जी और नीरज जी दोनों के कैपिटल लेटर यानी ही है, और थोड़ा थोड़ा दोनों को भी हार्ट पे सिम्टम्स हल्के से हार्ट पे हल्का सा इफेक्ट है, कोई ज्यादा नहीं है वो मंत्रों से। अमोनि दोषुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाण वांगनो रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रास प्रशम विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति अमोनि दोषुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाण वांगनो रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रास प्रशम विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति अमोनि दोषुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाण वांगनो रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रास प्रशम विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति मंत्र
ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरम नमो अमीय संवाणम जोम जोम नमः स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरम नमो अमीय संवाणम जोम जोम नमः स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरम नमो अमीय संवाणम जोम जोम नमः स्वाहा। चलिए अब हम चलेंगे श्लोक की ओर। पाठ लगा दीजिए, श्लोक पढ़ेंगे। मौनी शोभित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ भय दोन वड़वाड़ वांगलो रंग तरंग शिखर स्थित यान पाक दशम विहाय भवता स्मरणाद्रजन्ति। देखिए ये अम्मौ निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भये दोन वड़वान वाग्नौ। ये क्या कह रहे हैं? शुभित भीषण यानी शोभ को प्राप्त हुए भयंकर नक्र चक्र। नक्र चक्र यानी क्या? मगरमच्छों का समूह। पाठीन पीठ मछलियों के द्वारा भय पैदा करने वाले। पाठीन पीठ यानी मछलियों के द्वारा दोल भय वाग्नो पाठीन पीठ भय पाठीन पीठ भय यानी मछलियों के द्वारा भय पैदा करने वाले और विकराल है बड़वानल जिसमें ऐसे बड़वानल बड़वानल यानी समुद्र में जो लग जाती है ना आग उसको बोलते हैं। अम्मो निधो समुद्र में रंगत तरंग यानी चंचल लहरों रंगत तरंग चंचल लहरे शिखर स्थिति यानी शिखर में अग्रभाग में स्थित यान पात्रास यानी जहाज जिनका ऐसा मनुष्य भवत आपके स्मरणार्थ स्मरण से प्रासम भय विहाय छोड़कर भजंती गमन करते हैं यात्रा करते हैं। और अब इसका अर्थ एनिमेशन हम देख लेंगे। एक तरन तारण तीर्थंकर देव एनिमेशन तरन तारण तीर्थंकर देव क्या कह जा रहे हैं यहाँ पर? तरन तारण यानी जो खुद भी तरे और दूसरे को भी तारे। तरन तारण तीर्थंकर देव एक नए नए शब्दों से यहाँ पर किया है संबोधन। विकराल मगरों घड़ियालों तथा पाठीन पीठ जाति के भीमकाय मत्स्यों से युक्त भयंकर समुद्र। देखिए आपको समुद्र दिख रहा है ना इसमें एनिमेशन में कैसे समुद्र है वो भयंकर। देखो उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है भीमकाय बड़े बड़े और विलक्षण बड़वाना सुलग रहा है। देखो उसमें अग्नि भी दिख रही है। देखो इसमें दिख रहा है समुद्र और उसमें घड़ियाल दिख रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छ और अग्नि भी दिख रही है जो बड़वानर दावानल यानी जो जंगलों में अग्नि लगती है। दावानलम जलित मुज्वलम उष्पुलिंगम हमने पढ़े थे। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पाठीन पीठ भय दोन वड़वान वामनो। पाठीन पीठ नक्र चक्र ये सब क्या हो गया? मगरमच्छ
मछलियां और पाठी ने पीट मछलियों मगरमच्छ नकर चक्र इनके भयंकर शोक को प्राप्त हुए हैं और भीम काय मस्तों से युक्त भयंकर समुद्र, देखो समुद्र कितना भारी भयंकर दिख रहा है इस चित्र में, विलक्षण बड़वानल सुलग रहा है, अग्नि भी देखो बड़वानल यानी समुद्र में भी अग्नि लग जाती है जिसके कारण उसमें विकट खलबली मच गई है समुद्र में, ऐसे डरावने सागर समुद्र को भी वे मनुष्य बिना किसी कष्ट के आसानी से मजे से पार हो जाते हैं। कौन से मनुष्य पार हो जाते भाई, क्या हम तुम पार हो जाते हैं? हम तुम भी पार हो सकते हैं, लेकिन कैसे? जब भगवान के चरणों में हम सही भक्ति करेंगे तो इतना भारी समुद्र भी हम पार कर सकते हैं। जब भगवान का भक्त उनके चरणों में भक्ति करते करते इस समुद्र को ये बिना किसी भय के, समुद्र तूफान का भय है ना, तो मनुष्य जब इसमें पार करेगा तो कोई भय नहीं रहता उसको मगरमच्छों के, बिना भय के वो क्या करता है इस कष्ट को आसानी से मजे से पार हो जाता है। देखो मजा बता रहे, बढ़िया हाथ वाथ ऊपर करके उछल उछल के कैसे वो समुद्र को पार कर रहा है, मजे से पार कर जाता है। जो आपका स्मरण करते हैं उनके जहाज जिन पर वे स्थित हो, भले ही उछलती हुई उत्ताल तरंगों की छाती पर अतराते हुए तावा डोल हो रहे हो, भले ही उनका जो जहाज है वो भलाई उनका ऊपर नीचे हो रही उनकी नाव उनके जहाज, लेकिन वो मगजर मस्त रहते हैं, उनको पता है कि हम भगवान की भक्ति में डूबे हैं तो हमारा कुछ हो नहीं सकता। इस पे से एक कहानी याद आ गई, एक कहानी आपको बताओ, दो पति पत्नी समुद्र पार करते रहते हैं, दो पति पत्नी समुद्र पार करते नदी पार करते रहते हैं, एक नाव में बैठे रहते हैं, अब जोर से तूफान आ जाता है, नाव बहुत हिलने लगी, बहुत तेजी से तूफान आ गया, नाव हिलने लगी, तो पत्नी क्या करती डर के मारे चिल्लाती है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, और पति क्या करता हाथ पे हाथ करके भगवान की भक्ति में लीन अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान की चरणों में और बैठ जाता है। धीरे धीरे तूफान जैसे ही शांत होता है तो पत्नी बड़ी अचंभे में है, पति से कहती है इतना तूफान आया कि आपको डर नहीं लगा, या तो आप थोड़ा स्क्रू ढिला है आपका, या तो आप पागल हो, या तो आप बहुत बड़े मतलब ज्ञानी बुद्धि महात्मा हो। पति ने कुछ नहीं बोला, एक चाकू निकाली जेब से और पत्नी के गले पर रख दी। जब पत्नी के गले पर चाकू रखा तो पत्नी हंसने लगी, तो पति ने कहा कि भाई तुम हंस रही हो, तुम हंस रही हो, मैं आपकी गर्दन पे चाकू रखा हूं और हंस रही हो। तो पत्नी कहती है हे प्रभु आप मेरे अपने हो, आप मुझे डरा सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। उसी प्रकार पति कहता है कि हे प्रभु तुम भी मेरे अपने हो, तुम मुझे डरा सकते हो पर मार नहीं सकते। इसी प्रकार यहाँ बता रहा है कि वो मजे से पार कर जाता है भगवान की भक्ति करते करते, जो भगवान की चरणों में रहता है वो मजे से ऐसे भयंकर समुद्र को पार कर जाता है। दिखाइए एनिमेशन फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते समुद्र में भी अग्नि लगती है, समुद्र की उस अग्नि की बड़वानल बड़वानल कहते हैं, और जंगलों में जैसे वृक्षों पर परस्पर संघर्ष होने से जो अग्नि उत्पन्न होती है वो दावानल है। परस्पर जो पेड़ जो है अपने आप में परस्पर जो संघर्ष होता है उससे अग्नि उत्पन्न होती है जंगलों में। जैसे हम लोग बचपन में याद है दो पत्थर लेते थे और उनको घिसते थे अंधेरे में जाके तो उससे अग्नि निकलती थी, तो पत्थरों को आप भी सहते। इसी प्रकार
जो पेड़ है वो भी अपने आप में जब परस्पर संघर्ष करते हैं तो उससे घर्षण से अग्नि प्राप्त होती, क्रोधाग्नि, अग्नि अग्नि प्राप्त होती, उसको दावानल कहते हैं। ठीक वैसे ही समुद्र में उनके अंदर जब लावा फूटती है तो समुद्र में भी अग्नि लग जाती है। जब समुद्र में बड़वानन उत्पन्न होता है तो दिखाई देता है पानी में थोड़ा सा झाग उठने लगता है, सच्चा भाप निकलने लगती है, कभी तभी तो जल के ऊपर ऐसी अग्नि भी दिखाई देती है। अब विचार करो, जब समुद्र में बड़वानन उठ रहा होगा तो उस समुद्र में रहने वाले जलचर जीवों की स्थिति क्या हो रही है? उस समुद्र में कितने जीव रहते हैं, सबकी स्थिति क्या हो रही है? अपनी सुरक्षा के लिए वे आकुल व्याकुल हो रहे होंगे। इसी संकट का विमोचन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कैसे आकुल व्याकुल हो रहे होंगे, जहां अग्नि लग गई। उसी प्रकार हे परमात्मा के नाम स्मरण करने वाले परमात्मा के सच्चे भक्त, परमात्मा का स्मरण करते ही उस संकट से निकल कर सुरक्षित समुद्र को पार हो जाते हैं। कभी ऐसा ही कोई फंस गया समुद्र में, तूफान आ गया, बड़वाना लग गया, तो भगवान की भक्ति करते करते सहज प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये हमने अर्थ को समझा। अब हम मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र इसका देखो थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, पहले में रावण वगैरह लिया है तो लक्ष्मण सब चीज ली थी, तो लोगों के कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इसमें रावण को क्यों, लक्ष्मण को क्यों, राम को, तो राम तो मोक्षगामी है खेल, पर रावण को तो उसको माता जी ने थोड़ा सा चेंज कर दी है। लोकाधिपते तो है, तो यहाँ पर लोकाधिपते में तीन लोक के स्वामी का जो महाबल पराक्रम है उसको इसमें लिया है। हम पढ़ेंगे, ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो ऐसे नमस्कार किया गया है। वो किसको नमस्कार किया गया है? लोकाधिपते, जो लोक का अधिपति है। कौन है लोकाधिपते? वो त्रिलोकीनाथ के भगवान, तीर्थंकर भगवान जो है। ऐसे महाबल पराक्रम जो अनंत शक्ति के, अनंत वीर्य के धारी, उनको मनश्चिंतितम मन पूर्वक चिंतन करते हुए बार बार नमस्कार, कार्यम कुरु कुरु स्वाहा, बारंबार बारंबार नमस्कार। और जो इसमें बीजाक्षर निर्मित है, ह्रीम हरम ओम, ये जितने भी है, ये मंत्र में संकट मोचन शक्ति निहित है। ये मंत्र क्या बता रहा है? हमने देखे ना संकट श्लोक में आया है कि संकट से निवारण, तो ये भी उसी से जुड़े हुए रहते हैं मंत्र। तो इसमें ये जो मंत्र है ये हमें संकट मोचन शक्ति नीत बता रहा है कि हमारे जीवन में भी कभी हम कहीं घूमने जाते हैं और ऐसे तूफानी संकट कभी आ जाते हैं, तो हम यदि ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे उस तूफान से पार हो गए। इसमें समुद्र भय नाशक दिनेन्द्र का भक्ति का वर्णन किया, जो भक्ति का वर्णन है वो समुद्र भय नाशक है। और इसमें जितने भी बीजाक्षर है वो सब जो क्लिष्ट और कठोर कार्यों के साधक और शांति सूचक है। जो भी बीजाक्षर है वो कठोर कार्य के बिल्कुल साधक है। जितना भी कठोर से कठोर भी आपका इतने तूफान में फंस जाए, इससे भयंकर और क्या कठोर और क्लिष्ट कार्य हो सकता है, उससे निकलने के लिए हमें यह शांति सूचक है। रिद्धि पढ़ें, ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सविणम जोम जोम नमः स्वाहा। देखो हम जो शतरस करते हैं ना त्याग डेली, संडे को नमक, सैटरडे को तेल, शुक्रवार को घी, दूध गुरुवार को हरी सब्जी, ये जो करते हैं ना हम लोग छह दिन शतरस का त्यागी, इसमें वो शतरस ही शुरू हो गए। 41 नंबर से शुरू हुआ है। 41 नंबर को आप देखेंगे तो इसमें 41 नंबर की जो रिद्धि है वो क्या कह रही है कि खीर संविणम, खीर संविणम यानी जिनके हाथ में हमने यदि रूखा भोजन भी रख दिया तो वो क्या हो जाता है? खीर संविणम, खीर संविणम हो जाता है यानी रूखा भोजन दूध जैसा, खीर संविणम यानी दूध जैसा हो गया। फिर दूसरा उसमें क्या लिया है?
42 नंबर में लिया है सप्पी सविनय। सप्पी सविनय माने जिनके हाथ में रूखा भोजन रख दो तो वो घृत रूप हो गए, दूध हो गया, घृत हो गया। फिर 43 नंबर में हमने कल जो देखा था उसमें देखा था मधुस्तावी जिनों को नमस्कार, जिनके हाथ में रूखा भोजन रस युक्त तो हो जाता, नीरस भी रस युक्त। अब 44 नंबर चौथा रस आ गया, जिनको विषाक्त भोजन हाथ में दे दो तो अमृत समान हो जाता है। विष यानी एकदम कड़वा कड़वा भोजन भी आपने दे दिया तो वो कड़वा भोजन भी कैसे हो जाता है, विष से अमृत बन जाता है, निर्विष हो जाता है, अमृत बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ रिद्धि में बताया है कि विषाक्त भोजन भी अमृत बन जाता है। नमो अमीय सव्यनम, अमृत स्त्रावी जिनों को नमस्कार, जिनके हस्तपुट अंजलि में जैसे यहाँ रखे। हमारे स्वामी जैसे कर में हाथ लेते, हाथों में भोजन लेते, कोई खाली प्लेट में नहीं लेते हैं, हाथों में वो भी दोनों छिंगली ऐसी बांध के ऐसा उनको लेना है। यदि ये छिंगली आपकी जो जुड़ी है ये छुटी, उनको अंतराय हो गया, वो वही छोड़ देते हैं अंजलि और फिर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि उनकी छूट गई तो उन्हें कर से ही अंजलि जो करांजलि जो है उसी से ही उनको ऐसे आहार लेना है, दूध है, पानी है, भोजन है सब। तो गलती से भी ये उंगली उनकी छूट गई तो फिर वो आहार नहीं करते हैं, अंतराय मान लेते हैं और कुल्ला करके उठ जाते हैं, पानी भी नहीं पीते, मात्र कुल्ला करेंगे और उठ जाते है। तो यहाँ पे नमो अमी सविनय अमृतस्थावी जिनों को नमस्कार, जिनके हस्तपुत करांजलि में आहार रखने से वो अमृत रूप हो जाता है, विष अमृत रूप हो जाता है। यहाँ जो उपस्थित होते हुए है, जो देव आहार को ग्रहण करते हैं वे अमृत स्थावी जीव कहलाते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनि को नमस्कार, बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और हमारा भी हाथ में जो रूखा भोजन आए वो हमें अमृतमय लगे, कभी हम उसमें नाराज ना हो कि आज हमारे घर में ऐसा रूखा भोजन हमें खिला दिया हमारी पत्नी ने या हमारी बहू ने या किसी ने भी, हम भी उसको अमृतमय भोजन समझकर ग्रहण करें। इतनी रिद्धि इतनी शक्ति तो हम में भी आए कि जैसा भोजन है उसे हम अमृत समझ के पान करें। इसी भावना के साथ आज के ये रिद्धि मंत्र का मैंने समाने की, इसको मंत्रों के अर्थ को बताने की कोशिश की हूँ। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमें मंत्रों के अर्थ नहीं पता, रिद्धि के अर्थ नहीं पता। हमने कह दिया है कि YouTube पे हम डेली डाल रहे हैं, आप लोग उससे देख के उसको ले सकते हैं और सब जगह जहाँ भी जरूरत है वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब हम चलेंगे आदिनाथ भगवान की फोटो की ओर। आदिनाथ भगवान की फोटो दिखा दीजिए सबको। आदिनाथ भगवान की फोटो से हमें एक एनर्जी प्राप्त करना है। आदिनाथ भगवान की फोटो आप दिखा दीजिए और उनके देखिए पूरी बॉडी से गोल्डन कलर की रश्मियां निकल रही है। ये गोल्डन कलर मैंने पहना है ना, ये गोल्डन कलर की इस टाइप की सोचिए रश्मियां निकल रही, पूरी रश्मियां आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। दाहिने पैर के अंगूठे से हाथ के जस्ट नीचे आप लोग देखोगे, दाहिने पैर के अंगूठे से उनके नाखून से एक पारा निकल रहा है, व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। उस एनर्जी को आपको एंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे नर्वस सिस्टम में डालना है। बिजली की भांति चमकती हुई पूरा नर्वस सिस्टम आपका पूरा सक्रिय हो रहा है, नाड़ी तंत्र पूरा सक्रिय हो रहा है। जितने भी निगेटिविटी है, जितने भी विजातीय तत्व है, जितने भी दुख दर्द है, सारे आपके नाड़ी तंत्र से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। पूरी निगेटिविटी बाहर हवा में विलीन होते जा रही है, विलीन होते जा रही है, विलीन होते जा रही है। और अब नौ बार हम जाप देंगे बड़े बाबा की। ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम एम बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बडे बाबा रं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बडे बाबा रं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बडे बाबा रं नमः। चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दीजिए। जब तक अनुष्ठान में बैठ गए ना हमें खाना है ना हमें पीना है। ये जो वस्त्र हमारे ऊपर पड़े ये भी उपसर्ग स्वरूप पड़े। ये देह मेरी नहीं ये वस्त्र मेरे नहीं। सभी सांसारिक कार्यों का त्याग और सभी सांसारिक सामान का भी त्याग। जब तक हम अनुष्ठान में है कुछ भी मेरा नहीं। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोए सर्वसाहुणम। नौ बार श्लोक पढ़ेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास। अम्बो निधो शोभित भीषण नाग्र चक्र पाथीन पीठ भय दोर्वन वाद वांग्रो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रस सासं विहाय भवतः स्मरणाग्र जन्ति। अम्बो निधो शोभित भीषण चक्र पाठीन पीठ भय दोर्वण वाड वांग्रो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्र तासं विहाय भवत मरणाद्रजन्ति। अमौनिधो शोभित भीषण नाग्र चक्र पाठीन पीठ भय दोर्वन वाड वांग्रो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रस तासं विहाय भवत स्मरणाग्र जन्ति। अम्बो निधौ शोभित भीषण नाग्र चक्र पाठीन पीठ भय दोर्वन वाड वांग्रो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रस तासं विहाय भवत स्मरणाद्वजन्ति। अम्बो निधो शोभित भीषणाग्र चक्र पाठीन पीठ भय दोर्वन वाड वांग्रो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्र
तासं विहाय भवता स्मरणात् भजन्ति अमौ निदोषो भृत भीषणनाग्रचक्र पाठीन पीत भय दोर्वन वाद वाम्र रंगत रंग शिखर स्थित यान पाता तासं विहाय भवता स्मरणात् भजन्ति अमौ निधौ शुभित भीषणनाग्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वन वाड वाम्र रंगत रंग शिखर स्थित यान पाता तासं विहाय भवता स्मरणात् भजन्ति अमौ निधौ शुभित भीषणनाग्र चक्र पाठीन पीत भय दोर्वन वाड वाग्र रंगत रंग शिखर स्थित यान पाता तासं विहाय भवता स्मरणात् भजन्ति अमौ निधौ शोभित भीषणनाग्र चक्र पाठीन पीत भय दोर्वन वाड वाग्र रंगत रंग शिखर स्थित यान पाता तासं विहाय भवता स्मरणात् भजन्ति मंत्र पढ़ेंगे 108वां समय दर्शनाय नमः समय ज्ञानाय नमः समय चरित्राय नमः ओम नमो लोकाधिपतये महाबलपराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपतये महाबलपराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपतये महाबलपराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो लोकाधिपते
महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा।
ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा।
ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतित कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतित कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतित कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्य गुरु गुरु स्वाहा। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। इति सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ भीमरं नमो अमीयसविणं सोम सोम नमः स्वाहा। 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 ॐ भीमरं नमो
Om Namah Shivaya.
ओम ह्रीं मलम नमो मि सर्वेण जं जं नमस्कारः ओम ह्रीं मलम नमो मि सर्वेण जं जं नमस्कारः ओम ह्रीं मलम नमो मि सर्वेण जं जं नमस्कारः ओम ह्रीं मलम नमो मि सर्वेण जं जं नमस्कारः ओम ह्रीं मलम नमो मि सर्वेण जं जं नमस्कारः ओम ह्रीं मलम नमो मि सर्वेण जं जं नमस्कारः ओम ह्रीं मलम नमामि 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 सर्वेण जं जं नमस्कारः ओम ह्रीं मलम नमो अमि सर्वेण जं जं नमस्कारः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः शांति धारा के लिए हमारे कलकत्ता से सुनीता जी मेहता उन्होंने भी अपनी उनका जन्मदिन है आज। हम सब लोगों की तरफ से उनको जन्मदिन की मुबारकबाद। सालगिरह है, सालगिरह है ना,
तो जन्मदिन है शायद। हाँ ठीक है, तो जन्मदिन या सालगिरह उनकी मुबारकबाद, और उन्होंने भी अपनी भावना भाई है। और बैजापुर मंदिर के लिए 2100 रुपए की राशि उन्होंने बोली है, व्हाट्सएप में मैसेज किया है कि बैजापुर के मंदिर के लिए हम लोग 2100 रुपए की राशि देना चाहते हैं, तो वो मंदिर का अकाउंट नंबर उनको दे देंगे तो वहां पे ट्रांसफर कर देंगी। ठीक है, तो रजनी जी प्रतिक्रमण शुरू करिए। रजनी जी मलेशिया, करके तक जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, विनय जी, संगम फाउंडेशन और नीरज जी का भी, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद एवं मेरी तरफ से जय जिनेन्द्र सभी को। भाव प्रतिक्रमण शुरू करेंगे। हे अनंत प्रभु, कामेमी सर्व जीवा खमंतु में नित्ति में सर्व भूयसु वैरम मंजम न कैणई पश्यंतु एवं मैं आलोयम निंदियम दुखचिमम समम तिविहेन पड़िकंतो वंदामि जिने चौबीसम। देव गुरु धर्म की जय हो विजय हो, आपके श्री चरणों में सविनय अनंतिबार 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 वंदना करके आपकी शरण लेकर बोल रही हूँ। पांच भारत, पांच एरावत, पांच महाविदेश क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर केवली गणधर पूर्वधर आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी शावक शाविकाएं हुए थे हैं और होंगे, तथा उनके द्वारा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तप और संयम की आराधना की गई थी कर रहे हैं और करेंगे, साथ ही उन्होंने जो जिन शासन की भव्य प्रभावना की थी कर रहे हैं और करेंगे, उन सभी का देव गुरु धर्म की साक्षी से तीन करण और तीन योग से अनंतिबार 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 अनुमोदन करती हूँ। साथ ही निवेदन है कि जाने अनजाने में इस भाव में या पूर्व भाव में तीन करण और तीन योग से 18 प्रकार के पापों की जो सेवना मेरे द्वारा की गई थी उसके लिए देव गुरु धर्म की साक्षी से अनंतिबार 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 माफी मांगती हूँ। मेरे सभी अपराध क्षमा करें, यही आपसे अनंतिबार 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 प्रार्थना है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र धर्म ध्यान से जुड़ी रहे, मोक्ष का रास्ता कभी नहीं छूटे, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी सभी तरह से रक्षा करना आनंद मंगल करना, यही आपसे अनंतिबार 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 प्रार्थना है। घर में परिवार में समाज में संघ में देश में विदेश में सभी जगह पर शांति संगठन और प्रेम का वातावरण बना रहे, सभी स्वस्थ मस्त व प्रसन्नचित रहे, सभी की धर्म आराधना बढ़ती रहे, देश विदेश में जैन धर्म का खूब 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 प्रचार प्रसार हो, यही देव गुरु धर्म से अनंतिबार 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 प्रार्थना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हम। ओम नमो आरोग्य हम, ओम नमो आरोग्य हम, ओम नमो आरोग्य हम। हे प्रभु, आज का एक नया मंगल दिवस एक अनुष्ठान के साथ हमें प्रदान किया, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं। सभी को नीरज जी सुराना, रजनी जी बीजापुर वाले, सुनीता जी जिनका जन्मदिन भी है उन्होंने राशि प्रदान की, संध्या जी भोपाल से जिन्होंने भी आज राशि प्रदान की, सभी को बहुत 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 धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत स्वागत जय। सुनीता मेहता जी है, इनका जन्मदिन है तो आज इनको अनम्यूट कर दीजिए तो हम लोग सब देख। आज तो अपने पास टाइम है अभी। आज टाइम है।
और इच्छा भी है टाइम पे ही हो समापन भी। हाँ सुनीता मेहता जी को जन्मदिन देते हैं, फिर संध्या जी को कर दीजिए। सुनीता मेहता जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आज शांति धारा भी उनकी ओर से की गई है और उन्होंने कुछ राशि भी वहाँ भेज दी है। आप अपने आप को करिए। सुनीता जी वीडियो ऑन करिए। चलिए आप तो बिल्कुल आज तो एकदम खुश एकदम खुश। पहले तो ये बताइए सुनीता जी आपकी एनिवर्सरी है या बर्थडे है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? लेकिन आवाज किसी की और पीछे से आ रही है, बंद कर दीजिए अपने आप को, म्यूट कर दीजिए पीछे से जो आवाज आ रही है। नहीं नहीं इधर से आपकी आवाज नहीं आ रही सुनीता जी। एक्चुअल में म्यूट किया हुआ था। आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा 38 शादी की सालगिरह 38। चलिए सब मिलके आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू दोनों को भी, यानी सही शांति धारा हुई है वो हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे घर में, आगे की सालगिरह है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, भैया जी और नीरज जी को भी जो ये सीरीज चला रहे हैं, और सबसे ज्यादा मतलब कि आप गृहस्थ जीवन में इस तरह मतलब अर्चना जी विनीत भैया आप लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे पास शब्द भी नहीं है आपको क्या कहें, मतलब जितने जितने धन्यवाद बोले कम है, धन्यवाद शब्द भी कम पड़ते हैं। समाज और लोग जुड़ेंगे इतने भला हो रहा है, मतलब आपसे जुड़ने के बाद हम लोग खुद एहसास कर रहे हैं कि हमें भी इस रास्ते में आगे बढ़ना है, पर जितना संभव हो, सबका जरूरत नहीं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप जैसे इतना कर पाएंगे, फिर भी आशा रखते हैं जितना कर सकते हैं करने की उम्मीद है और करने की भाव भी है, तो हमारे लिए कभी भी कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। जरूर जरूर आप, आपको हम वहाँ जो पेशेंट है ही, आप वहाँ पे हीलिंग करना शुरू करिए कोलकाता आज, आज हाँ वही मैं कल जब क्लास में पता चली गई थी कि अब हम भी हीलिंग कर सकते हैं, इतने दिन तो अपने आप के लिए करते थे, तो मेरी एक योगा टीचर है 6 महीना से उसको डिटेक्ट हुआ था। माइक ऊपर करिए, माइक आपका आवाज चला जा रहा है। अच्छा हाँ, अब आ गया अभी ठीक है। हेलो हाँ अभी ठीक है, ठीक हाँ अभी ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो वो योगा टीचर को 6 महीने से डिटेक्ट हुआ कैंसर, तो मैंने उसको मतलब सिखा दिया था पूरा उद्भूत भीषण का श्लोका और मंत्र, और बुक्स भी दे दी थी, वो खुद पे कर रही थी। उसके बाद उसके 6 केमो हो गए, अब वो आज मैं बुलाई हूँ उसको हीलिंग करने के लिए, और हाँ तो बिल्कुल ही अब उसको हीलिंग करूंगी, आपके आशीर्वाद से सक्सेस रहे, क्योंकि उसके मन बिल्कुल नहीं कि मैं ऑपरेशन कराऊं, 6 केमो के बाद जैसे भी है बोले मैं वैसे ही चलूंगी, तो मैं बोली ठीक है तुम एक काम करो अपना प्रदर्श नंबर श्लोक के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दो और उसी को पढ़ती रहो, तो उसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहे थे, तो उसको पोती है जो इंग्लिश में पढ़ लेती है, तो मैंने उसको इंग्लिश में वो किताब है मेरे पास भी छोटी वो हाँ। किताब दी है, वो पोती उसको रोज पढ़ाती है रोज बताती है, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो वो मेरे पास भी आ नहीं पा रही है, आज मैंने उसको बोला ओला करके आओ तुम और मेरे पास से हीलिंग ले लो, मैं तुरा प्रोसेस पूरा समझा दूंगी, पोती को भी ले आना वो फिर करती रहेगी तुम्हारे लिए। और जब आप उसके आपके पास जब वो आएगी शुरू में स्टार्टिंग में तो हाँ। एक बार हीलिंग उसको अर्चना जी से 9 बार श्लोक सुनवा दीजिए। हाँ वो 11 बजे आज 11 बजे बुलाई हूँ मैं उनको, तब मैं कॉल करूंगा। ठीक है ऐसे ऐसे केसेस में कर सकते हैं, तो यदि आपके पास टाइम हो तो 11 बजे उससे 9 बार श्लोक सुनवा देना जब वो आपके पास आएंगी तो।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आज अर्चना जी का प्रोग्राम भी है ना 9 से 11, इसलिए मैंने 11 के बाद ही बुलाया है, उस समय मैं कॉल करूँ। वो रात को 9 से 11 है, जो संडे को होना है वो सुबह 9 से 11। हाँ हाँ वो रात को, सॉरी सॉरी, होना है वो 9 से 11। दीदी जीजा जी को भी एक बार दिखा दीजिए ना, उनको भी हम शुभकामना दे दे। हाँ हाँ ये अभी यही थे, हाँ एकदम यही थे, जोड़े से शुभकामना देना। आज अरे बुला रहे हैं, बोले आपको बुला रहे हैं, आपको आवाज दे। हाँ अभी क्या है, लॉकडाउन में पार्टी तो हो नहीं सकती, सुन ही रहे थे, आज कर ही रहे थे ये। नमस्कार जी, जय जी नंदन, आपको हैप्पी मैरिज। आप लोगों की इतनी तारीफ सुनता कि मन गदगद हो जाता है, बहुत ही आप लोगों की तारीफ करती, जो आता घर में सबको आप लोगों के बारे में खूब बताती है, मतलब आप लोगों की एकदम। हाँ बोलिए, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आपका जीवन ऐसे ही चलता रहे सुखमय। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना जी, विनय जी, आपको बहुत अच्छा लग रहा आपकी जोड़ी को देख करके। सुनीता दीदी से तो बहुत बार मिले हुए हैं, आज इसी बहाने आपसे भी मिलना हो गया अजीजा जी, और आपके लिए आज पूरी अभिषेक स्पेशल करवाई गई थी, तो मैंने कहा आज तो जीजा जी को कैमरा में लाना ही है, इसलिए रिक्वेस्ट की कि जीजा जी भी आ जाए, तो हम जोड़ी से आप लोगों के लिए शुभकामना प्रेषित करें। और आप अब एक भावना और है हमारी आपसे, और इसी तरह बनी करें, अभी एक रिक्वेस्ट और है कि आप जितना टाइम आप दे सके तो थोड़ी देर के लिए अनुष्ठान में रोज बैठा करिए, भले 5 मिनट के लिए बैठे, ठीक है कल से बैठेंगे, ठीक है। हाँ जी जरूर सर, जरूर। तो आप इसी सालगिरह के मौके से उससे जुड़ जाइए भक्तांबर जी से, समय बहुत हो चुका है, ठीक है, इस सालगिरह का यही आपका आशीर्वाद है, यही आपका उपहार है मेरे लिए, बस बस जुड़ जाइए, तो थोड़ा थोड़ा भक्तांबर का अनुष्ठान आप करते रहिए। हीला दीदी को डबल बधाई, हीलर बनने की और एनिवर्सरी की दोनों तरफ से, और आज कुछ किसी का केस लेना है। थैंक यू जिया जी एंड सुनीता दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरा जी, आप मेरा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सुनीता दीदी। आज किसको ले, आज कौन फिंगर रेज करिए सभी लोग, मनीषा, मनीषा है क्या, देखो ग्वालियर, मनीषा जैन है, ले लीजिए मनीषा, काफी पार्टिसिपेंट नहीं जुड़ पाए, आवाज खनकती हुई भाई, देखिए आवाज आ रही है हमारी, आ रही है, और दीदी बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, आनंद आ जाता सुन के, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा रिद्धि मन, और आरिका प्रशमती माता है जो कि मेरी बड़ी बहन है, उनके संशोधित मंत्र आप उपयोग कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि उन्होंने इतनी मेहनत की है मंत्र में संशोधन करने के लिए, उन्होंने क्या किया, कुछ मंत्रों में कुदेवी देवी देवताओं को लिया गया है, तो उनको हटा करके उन्होंने जिनेन्द्र भगवान को ले लिया, तो उन मंत्रों को आप उपयोग में ला रही हैं, हमें जानकर बहुत खुशी हुई, हम माता जी तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि आप विश्व में उनके मंत्रों को फैला रही हैं, वो संशोधित मंत्र उन्होंने बड़ी मतलब मेहनत के बाद पुराने शास्त्रों से ढूंढ कर निकाले हैं और हम लोगों को दिए हैं, मैंने अपनी जो भक्तामर में पीएचडी की थीसिस है उसमें भी इन्हीं मंत्रों को छापा है, और दीदी आपकी क्लास तो बहुत अनमोल है, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं ना बहुत लकी है, बहुत पुण्यशाली है जो आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप जो रिद्धि मंत्रों में अर्थ बताती हैं, तो जाप का अर्थ तो सब जगह मिल जाता है लेकिन मंत्रों का अर्थ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, दीदी आप अपने मन से इतना अच्छा अर्थ बताती हैं कि सुनकर आनंद आ जाता है, मैं तो आपके अर्थ सुनकर ही और जगह सब टाइम, मेरी भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस में आपके अर्थ को ही यूट्यूब से लेकर पहुंचा रही हूँ,
आप इतनी अच्छी प्रभावना और इतनी अच्छी मेहनत कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार दीदी आपका, और साथ में भैया जी का भी, विनय भैया जी का, जो आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, व्हाट्सएप के लिए इतना समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप अपना बता दीजिए, अपने बारे में बताइए। आप तुम बताओ। देखिए हमारे साथ जो है ये पशमती माता जी की बहन है मनीषा जी, जिन्होंने मेरे अंडर में, ग्वालियर से है, मेरे अंडर में ही पीएचडी किया है। और जब ये पीएचडी कर रही थी तो इनके मुंह से आप सुनेंगे कि इनने किस प्रकार पीएचडी करी है। मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने नागपुर भी आए थे, जब उनकी बहन का पूरा माता जी का 27 माता जी का यहाँ संघ विराजमान था, जब ये यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग लेने और आशीर्वाद प्राप्त करने माता जी का, उसी समय सारे मंत्रों का यहाँ नागपुर में ही संशोधन हुआ और नागपुर से ही ये मंत्र सारे विश्व में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते थे कि रावण का नाम क्यों है और लक्ष्मण का क्यों है, ऐसा वैसा बहुत सारे। हालांकि सबके जवाब छेदन भेदन तो सबका रहता ही है, जवाब तो सबके है ही है, फिर भी ये जब संशोधन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने नई बुक जो निकाली 2020, उसमें मैंने ये सब छापे है पूरे, बड़ी बुक में, छोटी बुक में। और अभी बहुत लोग बहुत खुश है कि आपकी बुक बहुत अच्छी है, बहुत साधु संत के पास अब जा रही है, तो उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा है कि इस बुक में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मनीषा जी भी अपनी केस स्टडी सुनाएंगी कि इन्हें भी हमने हीलिंग किया था और ये भी अपनी केस स्टडी सुनाएंगी। दीदी मनीषा जी बताइए। दीदी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मैं कौन सी वाली केस स्टडी सुनाऊं? बेटी का सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में, मेरा लंचिंग हुआ जी, जो आपका कोलैप्स हो गया था बोला डॉक्टर ने ना, जब आप पीएचडी कर रहे थे। जी 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 हाँ जी सुनाती हूँ। मैं जो है भक्तामय की पीएचडी करने के लिए मैंने स्टार्टिंग ही किया था, और मुझे दीदी के पास ट्रेनिंग लेने नागपुर आना था, अर्चना दीदी, मंजू दीदी, इन लोगों के पास। लेकिन मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मेरे को एकदम से फीवर आ गया और बहुत ज्यादा खांसी वगैरह होने लगी, तो मैंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवाया। दीदी लोगों को फोन किया कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं क्या करूँ। तो दीदी ने, अर्चना दीदी ने ही फोन पर बताया मेरे को कि तुम ऐसा करो, 45वें श्लोक का रिद्धि मंत्र और श्लोक सहित 108 बार जाप करो, उसकी साधना करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वाकई में मैंने उनकी साधना की, 21 दिन ही पूरे हुए थे कि मेरे को तबीयत में एकदम से सुधार आने लगा, पहले ही सुधार आने लगा, और एक महीने होते होते मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। उसके बाद मैं दीदी के पास आई, मैंने ट्रेनिंग ली, पूरे पीएचडी किया। पीएचडी भी मैंने बहुत सारे त्याग करके, चाय कॉफी और बहुत सारी चीजों का त्याग करके, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके जी, मैं मतलब बिस्तर में ही यूज करती थी, क्योंकि 24 घंटे में कभी भी नींद खुल जाती थी तभी मैं शास्त्र लेकर बैठ जाती थी और अपना पढ़ने लग जाती थी, तो पता नहीं कब शास्त्र छूना है, इसलिए मैं बिस्तर नहीं छूती थी। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया, मेरे पति देव ने भी मेरा इस चीज में बहुत साथ दिया, और इतने अच्छे से पीएचडी करवाई दीदी ने मेरी, मैं ग्वालियर में, दीदी वहां नागपुर में, लेकिन फोन पर इतने अच्छे से समझाती थी और सारा मेरे को टाइम देती थी, साथ में विनय भैया भी बहुत हेल्प करते थे कि मैंने मतलब बहुत अच्छे से किए। मेरी इतनी इमोशनल हो गई कि मैं बोल नहीं पा रही, दीदी आप ही बोलिए मेरी थीसिस आपको कैसी लगी, सबको बताइएगा। और लंग्स भी, आज ये डेट है, उस टाइम मेरा एक लंग्स जो है बिल्कुल कॉलेप्स हो गया था, जब मैंने चेकिंग कराया डॉक्टर बोला तुम्हारा एक लंग्स तो निपट ही गया, बोले अब इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे को देखिए कुछ पता भी नहीं चला कब कैसे अंदर ही अंदर मुझे इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर मेरा वो लंग्स इतना डैमेज हो गया, डॉक्टर बोला ये तो ठीक नहीं हो सकता, अपना दूसरा लंग्स बचा के रखना। लेकिन मैंने डॉक्टर से बोला कि नहीं डॉक्टर साहब ये ठीक होगा, और जब से ही आज तक मैं 45वें श्लोक पढ़ती हूँ और रिद्धि मंत्र के साथ, और आज परसों मेरी रिपोर्ट आई, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कहता है तुम्हारा लंग्स तो कितना ठीक हो गया, बोले ये 70% ठीक हो गया, ये कैसे हो सकता। तो मेरे को इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता। थैंक यू दीदी, इमोशनली ये भक्ति है, ये आंसू है, ये भक्ति है।
भगवान की उनके खुशी के ये आंसू है, ये सही भक्ति है। देखिए उनकी इतने दिनों बाद उनकी रिपोर्ट आई है और 70% उनका लंग्स ठीक हो गया इससे। और इनकी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जो पीएचडी की है ये 26 और 34 नंबर श्लोक से की है, गर्भ रक्षा और नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और जब वो पीएचडी कर रही थी तो इतने 100-150 पेशेंट पे काम किया बहुत कम पीरियड में। और ब्रह्मचर्य व्रत लेके इन्होंने लिखा कि मुझे बार बार कभी भी नींद खुल जाए तो मैं उसको लिख सकूं। और लिखा इन्होंने कि मैं बिस्तर ना छू, अशुद्धि ना हो, इसलिए इन्होंने 24 घंटे अपने पूरे पीएचडी में दे रखे थे, 24 घंटे अपने आप को शुद्धि में रखते थे। और माता जी की बहन है तो इन्हें नॉलेज भी अच्छा ही था और माता जी का भी सहयोग रहा। मैंने भी इनको जैन साहब ने बहुत मतलब कौन से पूरा हमने इनको करवाया, कौन कौन से इनने पीएचडी कर दी। एक बार सिर्फ मेरे पास आया है, दो बार हम लोग फिर बॉम्बे गए थे, इन्होंने बॉम्बे भी हम लोग को साथ में ले गया था जब इन्हें पीएचडी मिलना था, मुझे और मंजू दीदी को, हम लोग दोनों भी, क्योंकि मैं गाइड हूँ और मंजू दीदी सेंटर गाइड है इनकी, तो हम लोग दोनों भी, दोनों के सानिध्य में इतने अच्छे काम इन्होंने किए। और अभी भी इनका भी प्रोग्राम एक शुरू है भक्तांबल पे, मंजू दीदी समझा रहे हैं, ये सांगा नैन से राहुल जी शास्त्री के साथ है, उनने पहले मुझे भी कहा था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, और ये कर रहे हैं मेरे अंदर पीएचडी की और इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम ग्वालियर में भी हुआ अभी है। और अच्छा इन्होंने एक नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र पे भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इनका भी नाम सारे विश्व में हो, इसी भावना के साथ हम बताते हैं कि इसमें आंसू हो वो सही भक्ति है, जिस भक्ति में आंसू निकल आए वो सही भक्ति होती है, एकदम सही भगवान की भक्ति भी करती तो आंसू निकलने लगते हैं, भगवान की भक्ति भी करती हूँ तो आंसू निकलने लगते हैं, तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। और दीदी अभी मंदिर में लॉकडाउन के पहले मंदिर में 48 दिवस ही भक्तांबल पाठ कराया और जब से वो कंटिन्यू चल रहा था, अभी बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद घर में भी हम लोगों ने 48 दिवस ही पाठ किया। अब दूसरे प्रकार की भक्ति भी करते हैं, 48 दीपक विधान ग्वालियर में, पूरे ग्वालियर में महिला मंडल से करवा, पता नहीं कितने हो गए होंगे, डेली जब से पीएचडी कर रहा है डेली ही मैसेज आ रहा है, गिनती नहीं है इतने सारे पार्ट हो गए। और सब लोगों को पूरे बहुत फोन आते हैं, कितने दिन भर में सबको हीलिंग देते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, सब लोग अपना अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं तो बताते हैं, सब आप ही से सीखा दीदी, आपको देख चलिए। कल का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 45 नंबर, आप बता दीजिए उसके बारे में। हाँ, कल जो श्लोक है 45 नंबर का श्लोक असाध्य रोगों के लिए है। हाँ, कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा, कुछ भी हो जाए तो 45 नंबर श्लोक है, मल्टीपर्पज श्लोक है ये, कुछ भी होता है आपके लाइफ में और कुछ याद नहीं आ रहा तो सिर्फ 45 नंबर, इतना भी याद आप करते हो, श्लोक भी नहीं पढ़ते, मात्र चर्चा करने से ही आपके कर्मों की निजरा होती है। आज तो पूरे फुल हो गए थे पार्टिसिपेंट। एक मिनट दीदी, एक मिनट, जय श्री भंडारी जी हैं कलकत्ता से, जय श्री भंडारी जी, उनको थोड़ा सा करिए, उनको कल ले ले अंकल, 8:30 अभी टाइम है, 2 मिनट ले लीजिए, जय श्री भंडारी जी, देखिए 2 मिनट ले लीजिए, देखिए है कि नहीं। और ये आपको बता दूं, अमर रहेगा धर्म हमारा, रात में जो आज प्रोग्राम है, अमर रहेगा धर्म हमारा की एक अनुपस्थिति है, भक्तांबर की शक्ति कैसे आपको दिशा प्रदान करती है, दिन भक्तांबर की शक्ति क्या है, भक्तांबर की शक्ति कैसे बदल सकती है आपके जीवन की दिशा और दशा, ये 9 बजे से 11 बजे तक ये प्रोग्राम लाइव आएगा, फेसबुक पे आएगा, जैसे फेसबुक पे है, जूम पे नहीं है, कैसे बदल सकती है आपकी जीवन की दशा और दिशा। नीरज जी, उसका फेसबुक का लिंक आपको अपने ग्रुप में डाल देंगे,
नीरज जी डाल देंगे फेसबुक पे सभी ग्रुप में जिनको ज्वाइन होना है। पूरा भक्तांबर का जो सेशन होता था पहले जगह जगह जा जाके, तो उस टाइप से एक सेशन होगा तो उसमें आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा। और सभी लोग इसको डाल दीजिए अपने अपने ग्रुप में, क्योंकि फेसबुक पे तो कुछ भी नहीं है, जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं 9 से 11 है ये। अपने अपने रिलेटिव्स को जिन्हें भी प्रोग्राम अटेंड करना है सबको ये कार्ड आप डाल सकते हो, नीरज जी आपको ग्रुप में दे देंगे जी सर। फिर हम आगे के भी कार्यक्रम आपको बताते रहेंगे, जो भी पर्सनल कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? हाँ दीदी, वो मैं डाल दूंगी। और वो जयश्री जी नहीं दिख रही है? अच्छा छोड़ दो। संघ युवक ग्रुप बनता आज कलकत्ता और चेन्नई का जो ग्रुप है, संघ युवक ग्रुप ये प्रोग्राम करा रहा है चेन्नई और कलकत्ता मिलके, आज का जो प्रोग्राम है। और अगले संडे देखो जहां तक अभी फाइनल हो जाएगा कि बच्चों को कुछ परेशानी नहीं आई, तो हम बच्चों की क्लास अगले संडे मॉर्निंग में 9 से 10 रखने वाले है। नासिक से कल्पना जी है, जो कि पहले भी मेरा बच्चों के लिए सेशन रख चुकी है नासिक में, बच्चों के लिए सेशन का उनकी डिमांड आई है। अब देखिए कुछ यदि बीच में बाधाएं नहीं आती तो इस संडे नहीं तो अगले संडे, तो जितने भी लोग अपने बच्चों को उस सेशन में जोड़ सकते जोड़िए। उसके टॉपिक है 6 नंबर श्लोक आईक्यू और मेमोरी के लिए, और उसके बाद क्रोध पे एक छोटी सी मूवी दिखाएंगे कि बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, और 3rd नंबर पे हम गति के बारे में बच्चों को समझाएंगे कि हमारी जो गति है मनुष्य गति कितनी दुर्लभ है, और चारों गतियों का थोड़ा थोड़ा विवरण उनको चाहिए। वो बच्चों का गति का चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, तो उनकी इच्छा है कि गति के बारे में मैम आप हमें समझाइए, हमारा लेसन अभी गति का शुरू है चारों गति का, तो उनको चारों गति पे लेक्चर चाहिए था, तो चारों गति पे लेक्चर भी होगा ये संडे या अगले संडे जैसे भी हो। और कल की शांति धारा के लिए बेजापुर के मंदिर के लिए हमारे जो आईएएस कलेक्टर सुभाष जी जैन हैं, जो कलेक्टर थे, उनकी तरफ से कल की शांति धारा होगी 45 नंबर श्लोक में। और परसों की शांति धारा हमारे तरफ से होगी विनय जी जैन अर्चना जी जैन की तरफ से। अभी से हमने बुक कर दिया भैया, ज्यादा नहीं होना चाहिए करके, परसों हमारे तरफ से। और हमारी भी 2100 रुपए की राशि उसमें बेजापुर वाले ताज है, उसमें भी हमारी 2100 रुपए की राशि प्रदान हो जाएगी। और कल की शांति धारा भोपाल वाले सुभाष चंद्र जी जैन कलेक्टर साहब आईएएस प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से हो रही है। चलिए बहुत बहुत अच्छा दीदी, और जो भी दीदी के प्रोग्राम्स होंगे या वेबिनार जो भी होंगे हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं और डाल देंगे, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा टाइम वगैरह का, आज दीदी ने बता ही दिया है, और जैसे भी होगा। और दीदी समापन करें आप। हाँ समापन। हाँ तो आज जुड़े हुए सभी साधकों का, अर्चना जी जैन, विनय जी जैन, रजनी जी और संतोष जी, आप मनीषा जी जैन, मनीषा जी, हाँ डॉक्टर मनीषा जी जैन और सुनीता जी और जुड़े हुए सभी साधकों का हम तहे दिल धन्यवाद ज्ञापित करते हैं संगम फाउंडेशन की ओर से, और पूरे इस हीलिंग सीरीज की ओर से ही आप सभी को संगम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कल सुबह सही समय पर 7 बजने से ठीक 10 मिनट पहले आप सभी उपस्थित हो जाइए। मुझे बहुत खुशी है जब मैं खोलती हूँ तब तो कई साधक ऑलरेडी जुड़े हुए रहते हैं, 30-40 साधक तो पहले से तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, चहल पहल रहती है, उनकी आवाजें आती रहती है पीछे से, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का उत्साह और वो देख करके। तो आप सभी इसी प्रकार हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, हम लोग अगली सीरीज भी बहुत जल्दी इस 48 सीरीज के समापन के बाद भी लेके आने वाले हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद भी इसी तरह मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हाँ कल की शांति धारा जो संध्या जी जैन भोपाल वालों ने 2100 रुपए दिया, कल जो शांति धारा हो गई उसके लिए अच्छा। उनके लिए भी खूब खूब अनुमोदना। हाँ कल हो गई, आज की हो गई, कल की हो गई, परसों तक बुक हो गया है, सभी राशि 2 दिन बचे हैं, 47 सभी राशि बैजापुर मंदिर में उन लोगों को जिस कार्य में उपयोग करना होगा वो कर लेंगे, बैजापुर मंदिर के लिए रहेगी। बहुत अच्छा।